श्रोता बंधु नमस्कार, मु डॉक्टर शिशिर दास, रेडियो सुरभिर अध्यक्ष आपण मानंकु स्वागत करुछि एक अभिनव कार्यक्रम को। विगत 5 वर्ष मध्यरे रेडियो सुरभि शिक्षा कृषि ठारु आरंभ करि जीविका पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम परिवेषण करि आसुछि। आदि ठारु सेहि परि शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम अंतर्गत एक नुआ शिक्षा दिगंत उन्मोचन हेउछि, जहार ना चालंतु जानिबा इतिहास बा लेट्स नो हिस्ट्री। एही कार्यक्रम द्वारा ओडिशार महाविद्यालय पढ़ुथिबा छात्र छात्री एवं विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा देउथिबा प्रार्थी माने विशेष उपकृत हेबे। रेडियो सुरभिर एही अभिनव कार्यक्रम सारा भारतवर्षरे प्रथम बोली अभिहित करा जाई पारे। एही ऐतिहासिक कार्यक्रमर समस्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करिछन्ति इतिहास विभागर प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास और सहयोग करिछन्ति श्रीमती नीलिमा दास। आसंतु सुनिबा इतिहास। नमस्कार, कोरापुट सरकारी महाविद्यालय इतिहास विभागीय मुख्य प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दासंकर लेट्स नो हिस्ट्री माध्यमरे छात्र छात्री मानंक पई झरी आसीथिबा सीबीसीएस पाठ्यखसड़ा संबलित संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रम उपस्थापन रे मु नीलिमा दास आपण मानंकु स्वागत करुछि। सूत्र बिना समाधान बुढ़ियाणीर जाल मध्यरे छंदि होई जाए। समस्यार समाधान पाई ऐतिहासिकर संधिच्छ मन आकाशरे अभिजोगर कला बादल घोटी आसे। अभिजोग क्रमे अभिमानरे परिणत हुए। अभिजोग एवं अभिमानर फेंटा फेंटी मिश्रणरु क्रमे समाधानर पथ उन्मुक्त हुए। उपलब्ध पारिपार्श्विक घटनावलीरु से तथ्य संग्रह करे एवं ता लेखनीरे ताकु रूप दिए। ताहा ही तो इतिहासर रूप नहीं समाजरे संचरी जाए। सही तथ्य भित्तिक ऐतिहासिक उपादानर संचरण को नहीं आजिर प्रश्नोत्तर। प्रश्न एक, शिलालेख कहिले कौन बुझ? उत्तर, पत्थर किंबा माटी चट्टाण, धातव चट्टाण, माटी पात्र ओ कांथ इत्यादि रे लिखित बा खोदित अतीतर ऐतिहासिक घटनावली को शिलालेख कहा जाए। प्रश्न दुई, एपिग्राफी कहिले कौन बुझ? उत्तर, शिलालेखर अध्ययन। प्रश्न तीन, शिलालेख संपर्क रे केऊ समय बेळकु मानव चिंता करिथिला? उत्तर, हर्पा सभ्यता बेळकु। प्रश्न चार, आधुनिक समय रे शिलालेख गुड़िक केऊ केऊ उपादान उपरे खोदित होइथिला? उत्तर, विभिन्न मूर्तिर पादपीठ, विभिन्न फलक, ताम्र फलक, मंदिर गात्र एवं विभिन्न स्तंभ उपरे। प्रश्न पांच, प्राचीन मध्ययुगरे शिलालेख गुड़िक प्रथमे मुख्यतः केऊ भाषारे रचना करा जायथिला? उत्तर, संस्कृत भाषारे। प्रश्न छ, केऊ समय बेळकु संस्कृत सह तमिल, कन्नड़ ओ तेलुगु भली आंचलिक भाषारे शिलालेख रचना आरंभ करागला? उत्तर, ख्रीष्टीय षष्ठ ओ सप्तम शताब्दी बेळकु। प्रश्न सात, आदि मध्ययुगर शिलालेख गुड़िक मुख्यतः केऊ विषय उपरे आलोकपात करंती? उत्तर, ईश्वरंक प्रति निवेदनी कविता ओ वंशावली उपरे। प्रश्न आठ, आदि मध्ययुगरे मुख्यतः केऊ भाषा शिलालेख क्षेत्र रे गुरुत्व हासिल करिथिला? उत्तर, संस्कृत भाषा। प्रश्न न, आदि मध्ययुगरे केऊ केऊ दक्षिण भारतीय राजवंश आंचलिक भाषा रे शिलालेख खोदन पई राजपृष्ठपोषकता प्रदान करिथिले? उत्तर, पल्लव, चोल ओ पांड्य। प्रश्न दस, आदि मध्ययुगरे कन्नड़ भाषाभाषी अंचल रे केऊ माने आंचलिक भाषा रे शिलालेख खोदन पई
पृष्ठपोषकता करिथिले। उत्तर पश्चिमांचलर गंगवंशी राजामाने। प्रश्न 11। आदि मध्ययुगरे तमिल ओ संस्कृतर मिश्र भाषारे केउ वंशर राजामाने शिलालेख खोदन कराइथिले? उत्तर पल्लव चोल ओ पांड्य वंशर राजामाने। प्रश्न 12। आदि मध्ययुगरे केउ वंशर राजामाने संस्कृत ओ कन्नडर मिश्र भाषारे शिलालेख खोदन कराइथिले? उत्तर पश्चिमांचलर गंगवंशी राजामाने। प्रश्न 13। उत्तर भारतरे आदि मध्ययुगरे मुख्यतः केउ भाषारे शिलालेख रचित होइथिला? उत्तर मराठी ओ ओडिया भाषारे। प्रश्न 14। मराठी ओ ओडिया भाषा केउ समय बेळकु अधिक गुरुत्व बहन करिथिला? उत्तर एकादश शताब्दीर परवर्ती समयरे। प्रश्न 15। आदि मध्ययुगरे केउ दुईटि नूतन भारतीय आर्य भाषा प्रथमे राजकीय भाषा रूपे गृहीत होइथिला? उत्तर मराठी ओ ओडिया दुईटि आर्य भाषा। प्रश्न 16। केउ गवेषकंकर तथ्य आदि मध्ययुग संपर्करे पाठक मानंकु अधिक समृद्ध करिथाए? उत्तर रिचार्ड सोलमन कर। प्रश्न 17। इंडियन एपिग्राफिक ए गाइड टू दि स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत प्राकृत एंड दि अदर इंडो आर्यन लैंग्वेज पुस्तकर रचयिता किए? उत्तर रिचार्ड सोलोमन। प्रश्न 18। आदि मध्ययुगर शिलालेख गुड़िकर वैशिष्ट्य कौन? उत्तर एगुड़िक मुख्यतः भारतर विभिन्न स्थान बा गोष्ठी संपर्कित पद्धति रे रचित होइथिला, जेउथिरे कि तथ्य गुड़िक एक निर्दिष्ट क्रम रे सजाई रखा जाइथिला। प्रश्न 19। आदि मध्ययुगरे शिलालेख गुड़िकर उपस्थापना शैलीर वैशिष्ट्य कौन थिला? उत्तर एगुड़िक कौनसी देवादेवींकर स्वस्ति वचनरु आरंभ होइथिला। प्रश्न 20। आदि मध्ययुगरे केउं केउं धर्म अधिक प्रसार लाभ करिथिला बोली जणा जाय? उत्तर ब्राह्मण जैन धर्म ओ बौद्ध धर्म। आज पई एतिकी, पुणी आसिबी आसंता अध्याय रे। नमस्कार।